अब मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। अब मैं हूं और तू है, समझा? गलती होगी मुझसे, गलती होगी। उस शिका के कहने पे आ गया था, मैं अंधा हो गया था डैडी जी। औरत के कहने पे तूने अपने बच्चे को मार दिया। मेरे सपनों पे पानी फेर दिया तूने। अपने खानदान के वंश के दिए को बुझा दिया है। तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा तेरे को मैं। क्यों किया तूने ये सब, क्यों किया? तेरी अपनी मां के कोख में था, मुझे उस वक्त तुझे मार देना चाहिए था। कम से कम ये आज का काला दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझको। एक फालतू औरत के लिए फालतू औरत के लिए क्या कर रहे थी? छोड़ दो, फालतू औरत नहीं, चुप नहीं, चुप। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं भाभी, और आप बैठ से क्यों उठी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आपको रेस्ट करना चाहिए। अभी जो भी है आप मुझे बोलिए, मैं करूंगा। क्या करना है बताइए। मेरे पति की तबीयत खराब है, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? पिछली बार जब आपने आराम करने के लिए कहा था तब मेरे पेट में बच्चा था, पर अब आराम करने की कोई वजह बची ही नहीं। मैं आती हूँ। चौकी, वीर जी के दोस्तों पर कड़ी नजर रख। वीर जी से दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, समझा? तू जीती रह। से जाने से पहले तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करके जाऊंगी। तूने मुझे मेरे घर वालों से दूर किया ना, मैं तेनू वीर जी से दूर किए बिना चुप नहीं बैठूंगी। वीर जी तुम्हें खुद धक्के देके यहां से निकालेंगे।
देख डॉली, मेरा दिमाग पहले से खराब है, मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है ना? अभी भी आपको उसकी साइड लेके हमसे झगड़ा करना है। कल को आप तो चले जाओगे, अगर उसने आपको छोड़ दिया तो वो आपको कह दे कि मैनू तेरे साथ नहीं रहना, मेरा ख्याल रखने के लिए दूसरा कोई मिल गया, तो क्या करोगे? फिर तो आपको ना वो मिलेगी और ना हम। याद रखना, अभी वीर जी और आपके बीच में कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? पिछली बार भी तो अमन भाभी को वही देखने आया था ना, इसीलिए मैंने वही डॉक्टर बुला लिया। जो कुछ भी हुआ है वो भूल जाओ और ये राज हमारे बीच में ही रहने दो, प्रॉमिस। अजनी, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अजूनी सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।